हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं विजुअल आर्ट की स्टूडेंटों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड 25-25 क्वेश्चनों का सेट लेकर आता रहूँगा। उनमें से ये सेट ए है। और दोस्तों, ये सेट तैयार करने का तात्पर्य है कि जो विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं वो आने वाले ड्राइंग एंड पेंटिंग्स एग्ज़ाम में उनको एक जगह कलेक्ट मैटर मिल सके। दोस्तों, इस पेपर्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या जो विजुअल आर्ट से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने योग्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो क्वेश्चन आपसे गलती न होने पाए, वरना आप तमाम सारे स्टूडेंटों से पीछे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपसे गलती न हो, इसलिए विशेष तौर से आपसे निवेदन है कि आप उसे ध्यान से बार बार लर्न करिए और अपनी एक सीट फिक्स करिए। दोस्तों, आइए हम लोग सेट ए के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें जहाँ पे व्याख्या करने योग्य बातें हैं वहाँ पे उसके नीचे क्वेश्चन का व्याख्या भी कर दिया गया है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पहले हम बता दें कि स्फिंक्स जो होता है वो मूर्तियों के लिए विख्यात है और ये गीजा का मिस्र में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआईडी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, एनआईडी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन होता है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दोस्तों, जो एनआईडी जो डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी स्थान रखता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघदूत चित्रावली है। तो दोस्तों, मेघदूत जो चित्रावली है वो बंगाल स्कूल के कलाकार शैलेंद्रनाथ डे की है और ये जो मेघदूत कृति है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और इसका रचना काल जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इटली में बरोक कला पनपी। तो दोस्तों, इटली में जो बरोक कला पनपी उसका समय था 16वीं सदी और कई बार एग्जाम में पूछा है कि बरोक चित्रकला के पितामह या प्रणेता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, बरोक चित्रकला के परिणेता या पितामह माइकल एंजेलो कैरावेजियो को माना जाता है और माइकल एंजेलो कैरावेजियो का जो जन्म होता है वो 1573 और मृत्यु 1610 ईस्वी में होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ध्यान दिलाने योग बातें हैं, आप उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार माइकल एंजेलो को यहाँ पे मत समझिएगा, ये बरोक चित्रकला के कलाकार हैं माइकल एंजेलो कैरावेजियो। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर रखिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है। तो दोस्तों, हल्दार की मधुरता का जो महान स्मारक जो चित्र है वो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक को माना जाता है, इस करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया। तो दोस्तों, जो किशनगढ़ शैली के जो सावंत सिंह थे उनका उपनाम नागरीदास था, वो अपनी कृतियाँ नागर समुच्चय में लिखते थे और किशनगढ़ शैली के जो महान कलाकार थे वो निहाल चंद थे और निहाल चंद ने ही नागरीदास की कृति पे बनी ठनी का चित्रण किया गया है और इसे राधा का रूप माना जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। और हाँ दोस्तों,
ये जो बनी ठनी का चित्र है वो पाश्चात्य कृति मोनालिसा के समकक्ष मानी जाती है और इसे भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो दोस्तों ये विश्व विख्यात चित्र है और ये अजंता की गुफा संख्या एक में स्थित है। और अजंता की गुफा संख्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे जो चित्र निर्मित हैं उनको व्याख्या में दिया गया है और आप इसे ध्यान से लर्न करनी है। सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था, तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप था वो अपभ्रंश शैली से प्रभावित था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं और इन्होंने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग पुस्तक को लिखा था। और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था, तो इस करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था, तो दोस्तों बंगाल शैली के कलाकार नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सजाने का कार्य किया था और इनके सहयोगी थे विनोद बिहारी मुखर्जी, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं, तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो रंगमंच से संबंधित थे, ऐसा कला समीक्षकों ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर कहा है। और ये जो रंगमंच के चित्र थे वह महाराष्ट्र के पर्शियन कलाकारों से संबंधित माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है, तो दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी की जो प्रसिद्धि है वह मूर्तिकार के रूप में है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार भी थे और ये कुश्तीकार भी थे। और देवी प्रसाद राय चौधरी का जो जन्म होता है वो 1899 ईस्वी में रंगपुर जिले का ताजहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है वहाँ पे हुआ था, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरोक शैली का मुख्य कलाकार है, दोस्तों आ गया क्वेश्चन कि बरोक शैली का मुख्य कलाकार है, यहाँ पे देखिए मुख्य कलाकार की बात बोल रहा है। तो हम लोग अभी ऊपर व्याख्या कर चुके हैं कि बरोक शैली का जो पितामह माना जाता है वो माइकल एंजेलो कैरावेजियो को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी, कैरावेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम बेटिका की खोज हुई थी, तो दोस्तों ऑप्शन में 1958 एंड 1959 दोनों दिया है, इस स्थिति में आप 1959 को करेक्ट मानेंगे और अगर 1959 नहीं दिया रहता तो आप 1958 को करेक्ट मानते, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो रेम्ब्रा बरोक शैली के कलाकार हैं, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, तो दोस्तों रस भाव का जो शास्त्र का रूप दिए थे वो भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में दिए थे और नाट्यशास्त्र भी वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ही मानी जाती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र किस शैली में हुआ है, तो दोस्तों अंडाकार रूप का में जो व्यक्ति चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरस्तु ने कला को कहा था, तो दोस्तों अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति कहा था या अनुकृति को नकल भी कहते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, तो बाइजेंटाइन कला में पीला रंग जो प्रतीक माना जाता है वह स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे, तो दोस्तों कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे वो ई बी हैवेल थे,
और ई वी हैवेल इससे पूर्व मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। यहाँ से स्थानांतरित होने के बाद ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो इस करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं। तो सी वी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि तथा इंद्र को चित्रित किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीफ़ अल्फी क्या है। तो दोस्तों तारीख़ अल्फी कहीं कहीं ईरान का इतिहास मिलता है और कहीं कहीं कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर इज डी, कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है। तो दोस्तों सूरजमुखी के फूल जो कृति है वो विंसेंट वान गॉग की है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकासो का जन्म हुआ था। दोस्तों पिकासो का जो जन्म हुआ था वो स्पेन के मलागा गांव में हुआ था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, बहुत ध्यान से लर्न करिए, बार बार इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वान गॉग का पूरा नाम क्या था। दोस्तों वान गॉग का जो पूरा नाम था विंसेंट वान गॉग था और इनका जन्म 1853 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। तो दोस्तों ये रहे 25 क्वेश्चनों का सेट ए। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, इसका जवाब आपको स्वयं देना है, और वो क्वेश्चन है कि मुर्गा किस कलाकार की कृति है। दोस्तों इसकी इस कलाकार के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका नेक्स्ट सेट में मैं आंसर दूंगा। तो दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसे आप खुद देखिए कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं या आने योग्य हैं। क्वेश्चन ये जान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को हिट किया जाता है और उनको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के प्रारूप वही होते हैं। इसलिए बार बार आपसे निवेदन है कि उन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग अच्छे से लर्न करिए और अपनी सीट को फिक्स करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।